मारो राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर से बड़ी खबर, जहां मकान में घुसे बदमाशों ने फायरिंग की है। कोट खावदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। व्यवसायी नाटाणी परिवार के मकान में घुसे नकाबपोश बदमाश कोट खावदा से 20 किलोमीटर दूर देहलाला गांव में जाग होने पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई ग्रामीणों को भी छर्रे लगे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की, जहां मकान में घुसे बदमाशों ने की फायरिंग। कोट खावदा थाना क्षेत्र का मामला। कोट खावदा से 20 किलोमीटर दूर गांव की यह घटना है। जाग होने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस वक्त हमारे संवाददाता नवो नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवो नारायण, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है? भानु, ये वारदात हुई है रात को फायरिंग की। कोट खावदा थाना इलाके से करीब 20 किलोमीटर दूर एक देहलाला गांव है, जहां एक नाटाणी परिवार के मकान में देर रात 8 से 10 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश घुसे हैं। और ये बदमाश मकान में लूट की नियत से घुसे थे। पहले बदमाशों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। जब चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के जो लोग थे वो जाग हो गई। फिर पूरे गांव ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश जो हथियारबंद बदमाश थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 3 जो ग्रामीण हैं उनको गोली लगी है। वहीं नाटाणी परिवार का भी एक सदस्य मुकेश नाटाणी, उसको भी गोली लगी है। रात करीब 3 बजे ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी। वारदात की सूचना मिलते ही जो एसीपी हैं, एसीपी चाकसू राजेंद्र सिंह नैन और थानाधिकारी कोट खावदा मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश फरार हो गई। बालू जी, नवनारायण, जो बदमाश थे वो कुछ लूट कर भी ले गए हैं और क्या उनकी पहचान हो पाई है? पुलिस क्या कुछ अब इस पूरे मामले पर कह रही है? भानु, बदमाश हालांकि लूट की नियत से ही घुसे थे, लेकिन जो वारदात है उसी दौरान जो जाग होने के कारण बदमाशों को ग्रामीणों ने पूरी तरीके से घेर लिया था। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है कि कुछ लूट भी पाए या नहीं लूट पाए, लेकिन जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की, जिससे ग्रामीण भी पीछे हट गए और बदमाश भागने में सफल हो गए। घायलों की वारदात के बाद स्थिति बनी हुई है नवनारायण? वारदात के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है। स्थानीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और पुलिस के आला अधिकारी अभी मौके पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आश्वासन देके फिलहाल ग्रामीणों से जाम खुलवाया जाए। जी भानु जी, नवनारायण बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।